बीच भी किसानों के हौसले गरम है। किसानों ने अब आगे की रणनीति भी बना ली है और 7 जनवरी से ट्रैक्टर मार्च भी करने का ऐलान कर दिया है। अब ऐसे में राजनीतिक दल भी खुलकर किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। अब ऐसे में शिवसेना ने भी किसान आंदोलन के नाम पर सरकार पर तंज कसा है। महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना ने सामना के इस संपादकीय में लिखा कि 8 दौर की वार्ता हो जाने के बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। किसानों के इस आंदोलन को जारी रखना और यही सरकार की राजनीति भी है। इसके साथ ही शिवसेना ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों से चर्चा करने का सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है। आपको बता दें कि लगातार आज 42वां दिन है और 42वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन इसके साथ ही किसानों की जो समस्या है वो भी बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि लगातार दिल्ली में कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते सिंघू बॉर्डर की बात करें या फिर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, वहां पर मौजूद किसानों की समस्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तारीख को चार तरफ से ये जो एक्सप्रेस वे है इस पे किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। एक तो इधर कुंडली बॉर्डर से चलेंगे, उधर टिकरी बॉर्डर से चलेंगे 7 तारीख को सुबह 11 बजे, और उस तरफ गाजीपुर बॉर्डर से पलवल की तरफ, और इधर मेवात से, मेवात में साकरस करके जगह है वहां, रेवासन से पलवल की तरफ, तो चार तरफ से ट्रैक्टर मार्च होगा। 26 जनवरी को ये देश जो ऐतिहासिक गणतंत्र परेड देखने वाला है, उसका एक ट्रेलर, उसकी एक झलकी आपको परसों 7 तारीख को दिखाई देगी। पहला डिसीजन 9 तारीख को सर चौधरी छोटू राम की पुण्यतिथि है, हमारे तमाम मोर्चों पे हम उस किसान नेता को याद करेंगे जिसने हमें वो एपीएमसी और तमाम कानून दिए थे जिनको बचाने के लिए आज हम लड़ाई कर रहे हैं। कि सीधे तौर पर किसानों ने ये बात साफ कर दी है कि अब वो और तेज इस आंदोलन को करने वाले हैं, लेकिन इस आंदोलन को तेज करने के लिए किसी तरह की हिंसा या उग्र होने की जरूरत नहीं है। किसानों ने सीधे तौर पर यह कहा है कि 7 तारीख से केएमपी एक्सप्रेसवे को चारों तरफ से वहां पर घेरने की कोशिश होगी, और साथ में आपको यह भी बताते चले उन्होंने कहा कि एक ट्रेलर दिखाने की कोशिश सरकार को की जाएगी कि ट्रैक्टर मार्च निकाल करके कि किस तरीके से 26 जनवरी के दिन परेड के स्थल पर किसान अपनी परेड निकालेंगे। आपको बता दें कि इस परेड में हजारों की संख्या में जो ट्रैक्टर शामिल होंगे, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं की, जो महिला किसान है, उनकी भागीदारी भी इसमें देखने को मिलेगी। लेकिन बढ़ते समय के साथ ही लगातार जो बारिश हो रही है उससे किसानों की समस्या बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ आपको ये भी बताते चले कि आज 42वां दिन है और अब तक 60 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, और इस पूरे मामले को लेकर कोई भी समाधान सरकार के पास नजर नहीं आ रहा है। बार बार तारीख पे तारीख मिल रही है किसानों को, लेकिन अब तक इसका कोई भी कठोर कदम, कोई भी बड़ा कदम सरकार के द्वारा नहीं उठाया गया है ताकि इस पूरे मामले का कोई समाधान किया जा सके। शुरुआत से ही किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते 7 महीनों से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में, जब से ही इसको लेकर कानून बनाने से पहले से ही लगातार इसको लेकर प्रदर्शन किए जा रहे थे। जब बिल आए थे उसी के बाद से लगातार किसान अपनी बात कह रहे थे। और राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, लगातार जो स्थिति वो बदलती जा रही है किसान आंदोलन की, और साथ में बारिश के चलते उनकी परेशानी भी बढ़ रही है, क्या कुछ अपडेट है विस्तार से बताएं। देखिए जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो किसानों की परेशानी है, यानी कि जो कृषि कानून जो है उसको रद्द कराने के लिए किसान जो अभी तक डटे हुए हैं, मगर अभी तक लगता नहीं है कि कृषि कानून वापस होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके की बैठकें हो रही हैं और बैठकें जितनी भी विफल होती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है सरकार कोशिश कर रही है मगर बीच का रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। मगर किसानों की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो आंदोलन है वो और ज्यादा उग्र किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से 7 तारीख को जो ट्रैक्टर मार्च निकालना है वो कहीं निकाला जाएगा, और ताकि सरकार के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फर्क पड़ सके। मगर बात करें जिस तरीके से सरकार की, तो सरकार अभी भी कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, और यहाँ तक कि किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि वो अपना आंदोलन है वो खत्म करें, मगर किसानों की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। जी
राजीव, एक बात और समझने की हम कोशिश करेंगे कि लगातार जो आंदोलन है वो तेजी पकड़ता जा रहा है, आलम बारिश के बीच में भी लगातार जो किसान हैं वो डरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्या सरकार ने भी कोई रणनीति तैयार की है? चाहे जिस तरीके से परेड की बात कही जा रही है कि ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी, 26 जनवरी को लेकर भी तैयारियां की जा रही है किसानों के द्वारा, तो क्या सरकार ने भी कोई कदम उठाया इसको लेकर? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसान लगातार बेशक डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं सरकार से एक मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है वो कृषि कानून को वापस करे, क्योंकि वो कृषि कानून उनके हक में नहीं है। मगर कहीं ना कहीं सरकार अभी भी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, और कहीं ना कहीं सीधे सीधे कहें तो कृषि कानून के लिए साफ कर दिया गया सरकार की तरफ से कि कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा, मगर कहीं ना कहीं अभी भी किसान इसी बात पड़े हुए हैं, और जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा वो पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगभग 40 दिन से ज्यादा किसान डटे हुए हैं, और बारिश हो, ठंड हो या फिर कुछ और भी दिक्कतें हो, मगर यहाँ तक कि 60 लोगों की मौत भी हो चुकी है इसके अंदर, मगर किसानों ने साफ कर दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जी जी बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ रामपाल जाट जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। आपका स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। आपकी तबीयत भी नासाज चल रही है, आप बीमार भी हैं, अनशन पर बैठे, लगातार और भी किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, बीमार हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? मोहित जी, सरकार परीक्षा ले रही है किसानों की, और इसके साथ ही मौसम भी अभी सरकार का साथ दे रहा है। लोग इस कड़कड़ाती ठंड में घर बार छोड़कर सड़क पर बसेरा किए हुए हैं जी। कभी बरसात है, कभी गिर रहे, कभी पाला गिर रहा है, बर्फ गिर रही है, लेकिन धन्य किसानों को जो डटे हुए हैं, कोई हट नहीं रहा वहां से। मैं भी वहां बीमार हुआ और कल मुझे डिस्चार्ज किया, आज उनके बीच में फिर पहुंच जाऊंगा मैं। तो ये परीक्षा का समय है मोहित जी, हम सब परीक्षा में सफल हो, इसके लिए मैंने उपवास किया था कि भगवान हमारे अंतःकरण को भी शुद्ध रखे और सरकार के अंतःकरण को भी शुद्धि प्रदान करे, तो अच्छा रहेगा। सरकार का मन पसीजे, वो अपना मन बड़ा करे, दिल बड़ा करे, इसकी आवश्यकता है। और यदि वो मन और दिल बड़ा करके न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बना देते हैं, तो किसानों को उनकी उपजों का कम से कम वो दाम जिसको सरकार न्यूनतम मानती है वो तो मिलना शुरू हो जाए, और जिस दिन न्यूनतम भी दाम किसानों को मिलेगा उसके बाद किसान ऋण मांगेगा नहीं, ऋण देना वाला बन जाएगा। देश के ललाट पर जो किसानों की आत्महत्याओं का कलंक है मोहित जी, वो मिट जाएगा और किसान बन जाएगा ऋणदाता। जिस दिन किसान ऋणदाता बनेगा उस दिन हम विश्व शक्ति के रूप में उभर के आएंगे, ये पक्का है। रामपाल जाट जी, एक बात, आप भी संघर्ष कर रहे हैं, लाखों किसान वो भी संघर्ष कर रहे हैं, आपने उपवास ही रखा, आलम ये रहा कि आप बीमार भी हो गए, लेकिन क्या लगता है कि सरकार तक आपकी बातें पहुंच पा रही हैं? क्योंकि 60 किसानों की मौत हो चुकी है, 60 किसान शहीद हो चुके हैं, और सरकार ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। मोहित जी, इसीलिए मैंने कहा कि हमारी परीक्षा की घड़ी है, सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, मैंने तो बस इसी के लिए किया था, सबको सन्मति दे भगवान, तो उनको भी सन्मति दे। वो अहंकार की पट्टी जो अपनी आंखों पर बांधी हुई है वो हटे, वो अहंकार की पट्टी जब तक नहीं हटेगी तब तक उनको किसानों का दर्द नजर नहीं आएगा, किसानों की स्थिति उनके सामने नहीं आएगी। इसलिए अच्छा हो वो अहंकार की पट्टी हटाए, और जिन किसानों ने उनको दिल्ली का ताज उनके सिर पर पहनाया उनकी चिंता करें, तो जितनी चिंता वो नोट वालों की कर रहे हैं उतनी चिंता वोट वालों की शुरू कर दे, तो एक अच्छा संकेत होगा, अच्छा कदम होगा, देश खुशहाली की ओर बढ़ेगा। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा मोहित जी, अभी सरकार ने देश की खुशहाली का रास्ता बड़े पूंजीपतियों के होकर घर होकर देखने का काम किया है, जबकि बड़े पूंजीपति जो भी निवेश करेंगे वे अपने धन से धन कमाने के लिए करेंगे, किसानों को उद्धार के लिए नहीं। और मैं तो ये भी कहता हूं, चिड़िया चुगने आती है पूंछ कटाने नहीं, इसलिए इस देश के खुशहाली का रास्ता तो जो चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, खेत और खलियान की पगडंडी में होकर जाता है, सरकार उस रास्ते पर आवे और कृषि आधारित
किसान केंद्रित नीतियां बनावे और उसी के अंतर्गत शुरुआत करे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून से, जिससे किसानों को अपना धान, अपना मक्का, अपना बाजरा, अपना मूंग, अपनी जितनी भी उपजें जिनका सरकार न्यूनतम मूल्य घोषित करती है, वो 1000 से लेकर 1500 रुपए प्रति क्विंटल का घाटा उठाकर नहीं बेचने पड़े। मोदी जी, ये आवश्यकता है, ये देश की रीढ़ है किसान। इस रीढ़ को जितना हम मजबूत करेंगे, देश उतना ही मजबूत होगा, उतना ही बलशाली होगा। लेकिन एक बात और समझने की अगर हम कोशिश करें, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ किसान नेता हैं, लगातार आपने किसानों के बीच में रहकर संघर्ष किया है, आखिरकार क्या वजह नजर आ रही है कि सरकार किसानों की इस बात को नहीं समझ पा रही है? आज से पहले कभी इतने लोगों की, जो किसानों की एक साथ मौत नहीं हुई, 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है आंदोलन में, और अब तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। क्या लगता है कि क्या मुख्य वजह है जिसके चलते सरकार इसको लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है, चाहे MSP को लेकर कानून बनाने की बात हो या नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग हो? मोहित जी, जिस कानून की हम बात कर रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून की, 2012 में हमने इसका प्रारूप तैयार किया। उस प्रारूप के आधार पर 8 अगस्त 2014 को लोकसभा ने प्राइवेट मेंबर बिल को विचारार्थ सर्वसम्मति से स्वीकार किया। 6 वर्ष बीत गए, उसको तो सरकार ने नहीं किया, और सरकार ले आई उल्टे 3 बिल जो किसान विरोधी है। और ये इसका कारण से होता है कि जब दिशा गलत पकड़ ले तो आपको जाना उत्तर में, आप दक्षिण में चल दोगे, दक्षिण में चलते चले जाओगे, तो सरकार ने जो खुशहाली का रास्ता पकड़ा वो गलत पकड़ लिया। और इन्होंने देख लिया केवल निवेश बढ़ाना, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना, इसके लिए कानून बनाना, ये उन्होंने खुशहाली का रास्ता मान लिया, जबकि ये खुशहाली का रास्ता नहीं है। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आई वो गुलामी का रास्ता है। सरकार इस रास्ते को छोड़े तो वो सही रास्ते पावे, अभी तो उनकी धारणा ये बन गई यही रास्ता सही है। तो जब तक वे अंतःकरण से चिंतन नहीं करेंगे, इस देश की परिस्थिति को नहीं समझेंगे, कृषि प्रधान भारत में कौन सा रास्ता चाहिए ये उनको समझना पड़ेगा। यहाँ निवेश के कारण से देश का उद्धार होने वाला नहीं है, निवेश तो हमने ही कर रखा है सबने, बिना निवेश कोई खेती होती है क्या? तो हमारे पूर्वजों के समय से जो खेत हमारे पास वो निवेशित है, लेकिन ये उस निवेश को निवेश नहीं मानते, ये तो निवेश मानते हैं उन पूंजीपतियों को जो हाथ जोड़कर उनको हम बुला रहे हैं, उनके लिए रेड कार्पेट बिछा रहे हैं। ये रास्ता इनको छोड़ना पड़ेगा, जब तक ये रास्ता नहीं छोड़ेंगे मोहित जी, तब तक इनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो रास्ता ही जा रही है लगातार सरकार के नुमाइंदों के द्वारा, खुद केंद्रीय मंत्री कह चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि ये जो नए कानून है इनसे किसानों की जो किस्मत पूरी तरीके से बदल जाएगी, आय को दुगना करने का जो सपना है वो जल्द ही पूरा हो जाएगा, इस तरह की जो बातें कह रहे हैं, आखिरकार क्या वजह है कि किसान किसानों की बातों को नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह के दावे कर रहे हैं सरकार के लोग? मोहित जी, एक बात हमको समझनी होगी कि ये सरकार जो कहती है वो करती नहीं, और जो करती है वो नहीं करती जो किसानों के हित में। इसलिए इन्होंने कहा हम किसानों की आय दोगुना करेंगे, इनके कहने के बाद 5 वर्षों में किसानों की आमदनी घटी। दूसरा उन्होंने कहा हम डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के आधार पर इनको लागत का 1.5 गुना दाम देंगे, इन्होंने लागत की परिभाषाएं बदल दी। और तीसरा 2018 में ये लाए कि हम लोगों को MSP देने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान चलाएंगे, ये किसानों के लिए सुरक्षा कवच होगा जी। और सुरक्षा कवच के साथ ही अम्ब्रेला स्कीम होगी। उसके बाद दलहन और तिलहन की उपजों की कुल उत्पादन में से 75% खरीद को बाहर कर दिया न्यूनतम समर्थन मूल्य की परिधि से। तो आप एक तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य को जारी रखने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ न्यूनतम समर्थन उनको खत्म कर रहे हो। इसलिए ये जब भी किसानों पर आक्रमण करते हैं, ये किसानों के भले के नाम पे कर रहे हैं। इसलिए इनको चाहिए किसानों के भले के नाम पर, किसानों की जेब पर कैंची चलाने का काम नहीं करें, आय संरक्षण के नाम पर कुल्हाड़ी चलाने का काम नहीं करें।
लेकिन एक बात और कही जा रही है, लगातार जिस तरीके से विपक्षी दल हैं किसानों के आंदोलन को समर्थन तो दे रहे हैं लेकिन साथ में खड़े हुए नजर नहीं आ रहे हैं, चाहे वहां पर जिस तरह की अव्यवस्थाएं हैं, रजाइयों की कमी है, कंबलों की कमी है, वहां पर तिरपाल की कमी है, लगातार किसान पानी में भीग रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, उस तरह की सुविधाएं वहां पर नहीं पहुंचा रहे विपक्ष के लोग, लेकिन अपनी बात जरूर कह रहे हैं। अब ऐसे में शिवसेना ने ये बात कही है कि सरकार बात करने का सिर्फ दिखावा कर रही है बल्कि बात नहीं कर रही है, आपको क्या लगता है कि दिखावा कर रही है सरकार, बात नहीं कर रही है? मोहित जी, जब तक सरकार मन नहीं बनाएगी तब तक ये जो वार्ताएं ये सार्थक नहीं बनेगी। और मैं तो ये भी कहता हूं सरकार वार्ता मत करो ना, जब सरकार 5 जून को कानून लाई अध्यादेशों को द्वारा तब किससे वार्ता की थी? तो बिना वार्ता ही ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के कानून का अध्यादेश ला सकते हैं, ये बिना वार्ता ही इन तीनों कानूनों को डेफर करने का कानून ला सकते हैं, तो ये सरकार बिना वार्ता भी कर सकती है। इसलिए सरकार तो वार्ता इसलिए कर रही है कि एक संदेश आवे देश में, सरकार बात अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए, आप बीमार थे बावजूद इसने आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार कोशिश यही है कि किसान आंदोलन की तमाम जो तस्वीरें हैं आप तक पहुंचाई जाएं, यही वजह है कि लगातार हमारी टीम भी काम कर रही है। रुकेंगे इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। बस करो माल साहब, तुसी रेडी होके फिर शुरू हो गए, थोड़ी भी ना एनर्जी नहीं खत्म होंदी। सासीकाल फुफड़ जी। ओए सासीकाल, ओए 8 बजे तक कह के 11 बजे जाते हो तुसी? ये फुफड़ जी आंखी नहीं खोलदी, थक्या थक्या जा शरीर रहंदा, थोड़े च इस उम्रे भी पूरी फुर्ती है। ओए मेरी फुर्ती दा राज है वैद्यवान दा एक्स प्लस मर्दाना कोर्स, ते पिछले 30 वर्यां तों यही है मेरी सेहत दा राज। इम्यूनिटी वधाउण दे नाल नाल मर्दाना ताकत लई चुस्ती फुर्ती ते जोश वधाउण लई तुसी भी आज ही शुरू करो एक्स प्लस मर्दाना कोर्स। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते बाकी खबरों का। हरियाणा में कोविड-19 वैक्सीन सही तरीके से लोगों तक पहुंच सके इससे पहले ड्राई रन किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये ड्राई रन 7 जनवरी को किया जाएगा। इस दौरान सभी जिलों में 3 शहरी और 3 ग्रामीण इलाकों में ये ड्राई रन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। मुख्य सचिव विजय वर्धेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों के साथ में आयोजित कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित स्टेट स्टीयरिंग कमेटी और स्टेट टास्क फोर्स की बैठक में ड्राई रन की समीक्षा की। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने निर्देश दिए कि ड्राई रन के समय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने ब्रिटेन से आए लोगों में पाए गए कोविड-19 के नए वायरस के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे लोगों की ट्रेसिंग और टेस्टिंग प्राथमिकता से की जाए, साथ ही इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी सख्ती से की जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि 7 जनवरी को चलाए जाने वाले ड्राई रन में जिन्हें हेल्थ केयर वर्कर्स को शामिल किया जाना है उनका संपूर्ण विवरण सॉफ्टवेयर में दर्ज होना चाहिए। इसके साथ ही बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने बताया कि केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना के अनुसार पंचकुला जिले में 2 जनवरी को ड्राई रन चलाया गया था, इसी को आगे बढ़ाते हुए अब 7 जनवरी को पूरे प्रदेश में ड्राई रन चलाया जाएगा, यानी कि 90 की 90 विधानसभाओं में और 10 जिलों में ये ड्राई रन होगा। साथ में ये देखने की कोशिश होगी कि किस तरीके से जब वैक्सीनेशन का काम होगा उसको कामयाब बनाया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार पूरे देश में कोरोना वायरस का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, आज भी केस आ रहे हैं, लेकिन एक खुशी की बात यह है कि इसको लेकर वैक्सीनेशन का जो काम है जल्द ही सरकार कराने जा रही है। देश में 2 वैक्सीनों के तत्काल प्रभाव से इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है। इनमें से आपको बताएं कि ये दावा किया जा रहा है कि 13
जनवरी से जल्द ही 13 जनवरी के आसपास ही वैक्सीनेशन का जो काम है पूरे देश में शुरू कर दिया जाएगा। लोगों को समझाने की कोशिश भी इसको लेकर की जा रही है, साथ में ड्राई रन का जो काम है वो भी किया जा रहा है। यही वजह है कि चाहे हरियाणा की हम बात करें, दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या बाकी राज्यों की हम बात करें, उनमें लगातार ड्राई रन किया जा रहा है ताकि तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखा जा सके, किसी तरह की लापरवाही ना होने पाए, क्योंकि भारत दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। ऐसे में किसी तरह की लापरवाही ना हो और सही तरीके से लोगों तक वैक्सीनेशन का काम हो सके, इसको लेकर भी कोशिश हो रही है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ अंकुर कपूर हमारे साथ अंबाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता अंकुर, अंबाला में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, ड्राई रन को लेकर किस तरह की स्थिति है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, हरियाणा में कोविड-19 वैक्सीन सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने से पहले ड्राई रन किया जाएगा। ये ड्राई रन 7 जनवरी को किया जाएगा। इस दौरान सभी जिलों में 3 शहरी और 3 ग्रामीण इलाकों में ये ड्राई रन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। मुख्य सचिव जो विजय वर्धन है, उन्होंने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों के साथ उन्होंने एक मीटिंग की और मीटिंग में उन्होंने सभी को कहा कि आयोजित कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित स्टेट स्टेडियम कमेटी और स्टेट टास्क फोर्स की बैठक में ये ड्राई रन की समीक्षा की जाएगी। जो हरियाणा के मुख्य सचिव है विजय वर्धन, उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि ड्राई रन के समय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सभी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान जो मुख्य सचिव हैं, उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन से आए लोगों में पाए गए कोविड-19 के जो नए वायरस के संबंध में निर्देश दिए गए हैं, ऐसे लोगों की ट्रेनिंग और जो ट्रेसिंग प्राथमिकता से की जाए और साथ ही इन लोगों के कंटेंट ट्रेनिंग से भी सख्ती से किए जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि 7 जनवरी 2021 को चलाए जाने वाले ड्राई रन में जिन हेल्थ केयर वर्कर को शामिल किया जाना है उनका संपूर्ण विवरण सॉफ्टवेयर में दर्ज होना अनिवार्य है। जो बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा है, उन्होंने भी बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण स्वास्थ्य की योजना के अनुसार पंचकुला जिला में 2 जनवरी और 2021 को ड्राई रन चलाया गया और इसी को आगे बढ़ाते हुए 7 जनवरी को पूरे प्रदेश में ड्राई रन चलाया जाएगा। अंकुर, एक बात और समझने की हम कोशिश करें, क्योंकि अंबाला में ही से बहुत पूरे प्रदेश की जो उम्मीदें हैं वो अंबाला से जुड़ी हैं, स्वास्थ्य मंत्री वहां से हैं, लगातार वहां पर स्वास्थ्य से जुड़े लगातार अलग अलग तरह के अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन ऐसे में क्योंकि अब ड्राई रन चलाना जाना है तो अंबाला में किस तरह की तैयारी की गई है, विशेष तौर पर अगर वहां की जानकारी हम हासिल करें तो। अगर हम बात करें हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री की, अभी तक उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी भी अधिकारियों से आमजन से मिलने के लिए उनको मना किया गया है, लेकिन जो हरियाणा प्रशासन जो हरियाणा सरकार की तरफ से मैंने जो अभी आपको बताया, जो मुख्य सचिव विजय वर्धन है और जो हमारे मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जितने भी जो उपायुक्त हैं हरियाणा के उनको निर्देश दे रहे हैं कि किस प्रकार से जो हरियाणा में कोविड-19 वैक्सीन का जो अभी ड्राई रन चलाया जाना है उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अंकुर कपूर हमारे संवाददाता अंबाला से जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से अंबाला में तैयारियां हो रही हैं, साथ में उन्होंने ये भी जानकारी दी कि किस तरीके की तैयारियां बाकी पूर्व प्रदेश में की जा रही है। हमारे साथ अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अभिषेक, 7 जनवरी से ड्राई रन किया जाएगा हरियाणा के अंदर, क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर चल रही है, किस तरह की स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए जो जो होम है और जो चीफ सेक्रेटरी विजय वर्धन है, उन्होंने कल जो तमाम 22 के 22 जिले हैं उनके डीसी जो है उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की कि दूसरा जो ट्रायल है कोरोना वैक्सीन को लेकर वो 7 जनवरी से शुरू होगा और जो कि पूरे प्रदेश में रहेगा ये ट्रायल, और ये दूसरा चरण होगा। इससे पहले पंचकुला और में ट्रायल किया गया था जो पहला 2 जनवरी को, और अब ये दूसरा जो है ये 7 जनवरी को शुरू होगा और जो कि पूरे प्रदेश में होगा, जिसमें प्रत्येक जिले में से 3-3 शहरी लिए जाएंगे पॉइंट और 3-3 गांव इलाके जो गांव ग्रामीण इलाके हैं उनमें से लिया जाएगा, और उसके बाद ये जो ट्रायल है जब पूरा सही साबित होगा उसके बाद से जैसे ही कोरोना वैक्सीन प्रदेश को हरियाणा सरकार को मिलेगी उसके बाद जो प्रदेश की जनता है उसको कोरोना वैक्सीन का जो वैक्सीन है वो शुरू किया जाएगा। जी ठीक, एक बात और समझने की हम कोशिश करें, क्योंकि बड़ा है हरियाणा, काफ़ी जनसंख्या है, कितने चरण में आखिरकार इसको लेकर, चाहे ड्राई रन की हम बात करें, वैक्सीनेशन की बात करें, क्या इसको लेकर किसी तरह की कोई अपडेट है?
जी देखिए, ये अभी नहीं सामने आ चुका है कि कितना कितने चरण में ये ट्रायल होगा। अभी दूसरे चरण की जो बात सामने आई कि 7 जनवरी से दूसरा ट्रायल शुरू होगा, क्योंकि ट्रायल ज्यादा जरूरी होता है कि एक बार जो इससे व्यवस्था का पता चल जाता है, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का पता चल जाता है, कहीं जो छोटी मोटी कोई खामी रह जाती है उसको दुरुस्त किया जा सकता है। तो इतना बड़ा जो कार्य होने जा रहा है पूरे देश में कहे तो उसको लेकर एक बार एक दो या तीन चरण की ट्रायल बनता भी है, तो इसको लेते हुए हरियाणा सरकार या प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है वो दूसरे चरण का जो ट्रायल है 7 जनवरी से पूरे प्रदेश भर में शुरू करेगा। जी समझने की कोशिश करें कि क्योंकि कल से ड्राई रन शुरू होगा, फिर जल्द ही वैक्सीनेशन के दावे किए जा रहे हैं, लोगों में किस तरह का रुख है, क्या लोग इसको लेकर उत्साहित हैं या लोगों में भ्रम है, डर है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? स्वाभाविक है ये कि जो कोरोना जो महामारी है पिछले लगभग एक साल के करीब इसको होने वाला है, और जनता जो है चाहे वो देश की हो चाहे प्रदेश की हो चाहे पूरे जितने भी मनुष्य हैं वो इससे बिल्कुल प्रभावित है। और जैसे कोरोना वैक्सीन के लिए अब जो ट्रायल शुरू हो गया और जो जल्द ही कोरोना वैक्सीन जो जनता को लगेगी और उसके बाद इस कोरोना महामारी से मुक्ति मिलेगी, तो उसके लिए बिल्कुल उत्साह है। और प्रदेश की जनता में जल्द से जल्द चाहत है कि ये कोरोना वैक्सीन जो है वो उनको मिले और ये जो महामारी है इससे जल्द से जल्द छुटकारा हो और जो जीवन जो पूरे ढर्रे पे चले और जो कार्य जो है रोजमर्रा के वो पूरे रूटीन की तरह चलने लगे। जी ठीक, साथ में ये भी अगर हम जाने कि क्या लोगों को जागरूक करने का जो काम है वो शुरू किया जा रहा है, और साथ में अधिकारियों का ये निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि किस तरह की हमें ड्राई रन के दौरान सावधानियां बरतनी है, वैक्सीनेशन के दौरान सावधानियां बरतनी है। ये एक जो ये ड्राई रन होगा ये बिल्कुल उस तरह होगा जिस तरह की जब कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, बिल्कुल हूबहू उसका प्रारूप है ये। एक तरह से उसी तरह से पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क और उसी तरह की सारी तैयारियां, कोल्ड स्टोरेज जो इनकी वैन है या फिर जो उस तरह की जो जो अलग तरह की जो बनाई गई है गाड़ियां उनके अंदर इस कोरोना वैक्सीन को के जो ट्रायल के तौर पे जो मेडिसिन या कहे लाई जाएगी वो उस तरह ही सेम टू सेम उसी तरह की प्रक्रिया रहने वाली है और उसी तरह की एहतियात बरती जाएगी। तो हूबहू उसी का एक नमूने के तौर पर ये जो दूसरा ट्रायल है ये होगा। जो पहले ट्रायल भी उसमें कामयाब होया हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग, और अब दूसरा ट्रायल जो है 7 जनवरी को होगा। उसके बाद जैसे ही कोरोना वैक्सीन की हरी झंडी मिल जाएगी, प्रदेश को मिलनी शुरू हो जाएगी केंद्र की ओर से, तो प्रदेश की जनता को कोरोना वैक्सीन लगानी शुरू कर। अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़े, उन्होंने बताया कि क्या कुछ तैयारियां हरियाणा में की जा रही है ड्राई रन को लेकर। 7 जनवरी को ड्राई रन होगा। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।